हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग लवर्स, आप सभी को लॉकडाउन में कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बोगनवेलिया, फोरबिया के वेरियस कलर्स। तो लोगों ने, ऐसे ही दोस्तों ने पूछा कि क्या कर रहे हैं पांडे जी, कैसे टाइम पास हो रहा है। तो मैं आया गार्डनिंग में क्लीन करने, छत वगैरह देखी तो काफ़ी गंदा था। पहले की वीडियो अगर आपने देखी हो तो सब क्लीन कर दिया मैंने। बाउंड्री मेरी खाली थी तो लोगों ने बोला आपके इस बाउंड्री पे कुछ नहीं है। तो सरिया हमारे पास कुछ ऐसी स्टील रॉड पड़े हुए थे, उनको बेंड कर करके मैंने इस तरीके से इसके स्टैंड बनाए, अगर आप देखें तो। और इसमें मैंने एडेनियम लगा दिए और अभी ये प्रॉपरली हैंग कर रहे हैं। इससे इस पर्टिकुलर एरिया का एक लुक भी अलग सा हो गया है। तो मैं ऐसी चीज़ें कर रहा था तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। जो हमारे घर में वेस्ट है, कुछ ऐसा क्रिएशन करते हैं जो आउट ऑफ वेस्ट जनरेट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल है, इसको मैंने कट करके हैंगिंग वायर से हैंग कर दिया है और इस पर मैंने प्लांट लगा दिए, हैंग हो रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने जगह जगह पर लगाया हुआ है। ये मैगी के ग्लासेस, जो रेडी टू ईट मैगी आती है, उनको मैंने वॉल के टॉप पे दो नॉर्मल बॉटल्स में कट करके लगाया। उसके बाद उन्हीं बॉटल्स से लिंक करके इनको मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं एक डिफरेंट लुक आपको दिख रहा होगा। आपने विंका के बहुत से कलर हमारे यहाँ देखे होंगे। अभी ऐसे ही आप एक बॉटल देखिए, ये प्लास्टिक की बोतल थी, ये ऊपर का हिस्सा है टॉप और ये बॉटम का हिस्सा है। इसको मैंने सेपरेट अलग कट किया, इतना पार्ट, और ये सेपरेट। इसमें मैंने होल किया और इसको कैप के साथ लगा दिया। इसके अंदर हम एक डिफरेंट प्लांट लगाएंगे, इस एरिया को अलग से कलर कर देंगे, सो इसका एक डिफरेंट लुक लगेगा। इसको और अच्छा लुक देने के लिए ये जो ग्लास, अगर आपको याद हो मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, ग्लास, हाउ टू कट अ ग्लास बॉटल, उसका टॉप बचा था, हम इसको भी इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेस्ट को किस तरह से हमने यूटिलाइज किया है कि इट गिव्स अ डिफरेंट लुक टू योर रूफ टॉप गार्डन। एंड साइमल्टेनियसली आप देखिए, बहुत मैंने प्लास्टिक के बॉटल्स को पेंट करके भी रखा हुआ है अलग अलग। मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये मैंने चिड़ियों के लिए खाना खाने के लिए बनाया है। ये एक दूसरी बोतल का टॉप पोर्शन है जिसको इसमें हमने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं ऊपर से यहाँ से राइस या अन्य ईडेबल आइटम फिल कर देते हैं। ये देखिए, हमने कट किया है, यहाँ से ये राइस बाहर आता रहता है, ये देखिए। तो ये राइस यहाँ से बाहर आता है, चिड़ियों को दाना मिल जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से कट, प्लास्टिक की बोतल को मैंने कट करके उनमें बॉबी प्रिंट, डॉट प्रिंट बना करके एक ब्यूटीफुल लुक देने की कोशिश की है। तो लॉकडाउन पीरियड को प्रॉपर यूटिलाइज करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जो बॉटल ग्लास कट किया था हमने, उसका बॉटम पार्ट है। इसमें मैंने जेड प्लांट लगा रखा है। अडेनियम में आप देख रहे हैं कलियाँ आई हुई हैं खूब, सभी ब्रांच में फुल ऑफ न्यू बर्ड्स आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिक्विड सर्फ की बोतलें हैं, ये बॉटम पार्ट है और ये बोतल का टॉप पार्ट है। आप मान, यकीन नहीं आ रहा होगा, ये देखिए, ये आइसक्रीम के बॉक्सेस थे, इनको मैंने लगा के इसको स्टैंड बना दिया। तो आप ये देखिए, इसमें मैंने बेस में एक जो लोकल नीचे से बॉटम खुला रहता है फिल कर दिया। ये देखिए, ये लिक्विड की बोतल है, लिक्विड डिटर्जेंट। मैंने इसको कट करके एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है। यहाँ से पानी फिल कीजिए, प्लांट में सीधे पानी जाएगा। ये फिनाइल की बोतल है। इस तरह से हमने अपने गार्डन को एक नया लुक देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और घर में रखे चीज़ों से कुछ क्रिएटिव करना है टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम आउट ऑफ द वेस्ट, you can think like this during this lockdown period and give a new look to your garden
टू योर क्रिएटिविटी। सो मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।